वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने के साथ साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के ऊपर सीबीआई जांच बैठाने के संबंध में आज मधुबनी सतघरा के बीएमपी सुप्रीमो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला जलाया और कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से भाजपा ने कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनवाऊंगा, वैसे ही आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं पूरे भारत को भाजपा मुक्त बनाऊंगा। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। क्या होगा कि विनोद बंधु एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया, मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। और आज इस देश के अंदर जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का या तो ये मोदी सरकार उसकी हत्या करा देता है या फिर उसके ऊपर राजद्रोह का या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी विनोद बंधु के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है, भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसीलिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। और जो मोदी सरकार भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो को धमकाने का काम सीबीआई के द्वारा कराने का काम कर रही है, तो मैं आपको मोदी जी स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई चोर उचक्का 420 नेता नहीं हूं आपकी तरह, जो डर जाऊंगा, मीडिया से दूर भागूंगा, लोगों के सवालों से दूर भागूंगा। यदि देशद्रोही का मुकदमा, राजद्रोही का मुकदमा यदि किसी के ऊपर चलना चाहिए इस देश के अंदर, तो वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए, देश के गृह मंत्री के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़वा के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। अरे जिस 56 इंच के सीने की मोदी जी बात करते थे, वो नेपाल ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। शर्म नहीं आती कि अभी भी बेशरम की तरह आप गद्दी पे बैठे हुए हैं? चाइना ने 10 किलोमीटर जमीन हमारा फिर से कब्जा कर लिया और ये नपुंसक सरकार, मोदी सरकार सत्ता में बैठ के गोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आपको सत्ता में रहने का, मोदी जी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जितने इस लॉकडाउन के अंदर गरीब मजदूर पैदल चल के भूख। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।